हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के क्वेश्चन है, पहले उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ जो मैंने लिखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू परम मान भी कहते हैं हिंदी में, और मॉड्यूलस मापांक कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये बातें हमें डिस्कस करनी है। खास मॉड्यूलस क्या होता है उसको समझना है, आर्गुमेंटों पर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है क्लास में। पहले ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, सामने लिखा है a प्लस आई बी इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। मतलब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आना है। किसको? ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखा है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था क्या बताया था आपको, जब आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ जो लिखा है इसमें माइनस आई लिखिया, आई की प्लेस में माइनस आई, या यूं समझिए कि साइन चेंज कर दीजिए, इसके सामने का आई के सामने, और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। मतलब क्या करना होगा, फाइव प्लस थ्री आई, और ये क्या आ जाएगा, फाइव प्लस थ्री आई। क्लियर है, समझ आया? ए प्लस आई बी, ये थ्री का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन करना होगा, पहले थ्री इंटू फाइव प्लस थ्री आई प्लस टू आई इंटू फाइव प्लस थ्री आई। अब आप देखिए a माइनस बी, a प्लस बी क्या होगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फाइव स्क्वायर माइनस थ्री आई स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा ध्यान से देखिएगा, a प्लस आई बी, फाइव थ्री का फिफ्टीन प्लस थ्री थ्री का नाइन आई, कितना होगा टेन आई, सिक्स आई इंटू आई कितना होता है आई स्क्वायर, डिवाइडेड बाय फाइव स्क्वायर इज 25 माइनस थ्री स्क्वायर नाइन, और आई स्क्वायर साथ में आएगा। कुछ बच्चों ने यहाँ मिस्टेक की थी, थ्री स्क्वायर किया आई स्क्वायर नहीं किया, तो थ्री स्क्वायर नाइन और आई स्क्वायर साथ में रहेगा। ठीक है, अब देखिए ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी जो नंबर एड हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं वो कर लेते हैं, और आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर लिखनी होगी, क्या होगी आई स्क्वायर की वैल्यू, आई स्क्वायर होता है माइनस वन। तो हमें दो जगह पर मिल रहा है आई स्क्वायर, एक तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, और एक दूसरा डिनोमिनेटर। ठीक है, इन दोनों जगह पर आई स्क्वायर माइनस वन लिख देते हैं, तो क्या बनेगा जरा बताएं, फिफ्टीन नाइन आई प्लस टेन आई कितना होगा, ये नाइनटीन आई प्लस सिक्स आई स्क्वायर, आई स्क्वायर होता है माइनस वन, आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, यहाँ लिखा मैंने माइनस वन, माइनस वन इंटू सिक्स इज माइनस सिक्स, ट्वेंटी फाइव आई स्क्वायर होता है माइनस वन, तो माइनस वन ये और ये माइनस बी का प्लस होगा, प्लस नाइन आ जाएगा। ए प्लस आई बी इज इक्वल टू फिफ्टीन माइनस सिक्स कितना होगा नाइन, प्लस नाइनटीन आई डिवाइडेड बाय कितना आएगा बोलिए 34। इसको अगर हम सेपरेट कर दें, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दें, तो क्या बनेगा 9 डिवाइड बाय 34 प्लस 19 डिवाइड बाय 34 आई। तो आप देख सकते हैं कि रियल पार्ट ए है, और यहाँ पर रियल पार्ट कौन है, 9 अपॉन 34। तो इन दोनों को मुझे कंपेयर कर देना चाहिए। दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ आई इज बी इन लेफ्ट हैंड साइड, एंड कोफिशिएंट ऑफ आई इज 19 बाय 34 इन राइट हैंड साइड। ये दोनों कंपेयर होंगे तो मेरे पास ए और बी की वैल्यू क्या आएंगी, ए कितना आ जाएगा बताएं 9 अपॉन 34, बी कितना आएगा बोलिए 19 अपॉन 34। नोट कीजिए क्वेश्चन। अब देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं मॉड्यूलस की, ये मॉड्यूलस क्या होता है ध्यान से देखिएगा। मेरे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं प्लॉट करना चाहूं तो जिस प्लेन सरफेस पे मैं इसको प्लॉट करूंगा वो आर्गेंट प्लेन कहलाता है। ठीक है, एक्स एक्सिस जो हम देख रहे हैं ब्लू लाइन यहां पर नजर आ रही है आपको, इसको हम लोग कहते हैं रियल एक्सिस। क्या कहते हैं हम लोग इसको, रियल एक्सिस, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में,
इसी तरह से जो y एक्सिस है वो इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है, ये y वाला हिस्सा है। जब भी आप कभी किसी पॉइंट को इसके ऊपर प्लॉट करेंगे तो रियल पार्ट, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, रियल पार्ट ऑफ z इज x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज y। तो रियल पार्ट में जितना भी नंबर जो भी है वो आपको x पे प्लॉट करना होगा और इमेजिनरी को y पे। इसे कोई एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 2 प्लस 3 आए तो मुझे x में कितना चलना है 2 और y में कितना चलना है 3। 1, 2, 3, 4, ये x की वैल्यू में लिखी है, 1, 2, 3। x में कितने स्टेप चलना है मुझे? 2 स्टेप चलना है, ओरिजिन पे होते हैं हमेशा। यहां से मुझे 2 स्टेप चलना है टुवर्ड्स x, तो मैं आ गया हूं यहां पर 2 पर। y में कितने स्टेप चलना है? 3। तो y मतलब अप एंड डाउन, तो यहां से आपको परपेंडिकुलर ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है? परपेंडिकुलर ऊपर आ जाइए, ग्राफ पेपर पे आपको अच्छे से बताया, ये लाइन ऐसे आपको आगे जाके मिलेंगी। ये जो पॉइंट बना है P, इस P पॉइंट का एड्रेस होता है 2, 3। रियल पार्ट पहले लिखोगे, बाद में लिखोगे इमेजिनरी पार्ट, हाँ ये नहीं लिखा जाता है। 2, 3 ये P है और इस P का fx होता है z, which is 2 plus 3i, fx of P is z, which is 2 plus 3i, clear है? अब एक तो ये रास्ता था जो येलो वाली लाइन आपने देखी, इस तरीके से आप इस P तक जा सकते थे। दूसरा एक रास्ता और है, डायरेक्ट अगर मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देता हूं तब भी जा सकता था मैं वहां तक। जितना मैं x में चल रहा हूं उसको मैंने क्या कहा है 2, और यही क्या है बेसिकली x डिस्टेंस है। जितना मैं y में चल रहा हूं यहां पर कितना है वो 3 है, और यही क्या है मेरे लिए y डिस्टेंस। आ रहा समझ में आप लोगों को? पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यहां लगाता हूं, ट्राइंगल मैंने कंसीडर किया है O P M, इस ट्राइंगल में एंगल O M P 90 डिग्री है, देख रहे हैं आप ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इस 90 डिग्री के सामने की साइड को हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। इस वजह से पाइथागोरस थ्योरम जब मैं लगाता हूं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हम जानते हैं अच्छे से, ठीक है? तो हाइपोटेन्यूज ये लिखा है OP, इसका स्क्वायर आएगा परपेंडिकुलर y स्क्वायर और बेस x स्क्वायर आएगा, क्लियर है? समझ आया? इस OP को क्या कहा जाता है ध्यान से देखिएगा, क्या कहा जाता है OP को? मॉड्यूलस ऑफ z, दो आप में से बाहर लगा देंगे वर्टिकल z के साथ दोनों तरफ, तो ये बन जाता है मॉड्यूलस, ठीक है? तो मॉड्यूलस ऑफ z मैंने यहां पर बना रखा है, और यही मॉड्यूलस ऑफ z क्या है? OP है। तो इस OP की प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूं? मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर लिख सकता हूं। यही क्या बनेगा? पहले x लिख लो फिर y लिख लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब मेरे पास एक फॉर्मूला बन के आया, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस। इसको हम एक और तरीके से याद रखते हैं, ये जैसे मेरे पास z लिखा है तो मैं इसका मॉड्यूलस ऐसे भी लिख सकता हूं, व्हाट इज x, x इज रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। दूसरा क्या है? y स्क्वायर, y इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसका स्क्वायर। आया समझ में आप लोगों को? जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 plus 3i, मैं चाहता हूं कि मुझे इसका मॉडुलस पता चल जाए, तो क्या करना चाहिए मुझे इसके लिए? इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं तो क्या बनेगा इससे बताओ? मॉडुलस z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z इज x, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ z इज 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9,
modulus of z कितना होगा अंडर रूट 13। स्क्वायर रूट ऑफ 13 इज द लेंथ ऑफ ओपी, क्लियर है? ओपी की लेंथ जो होती है वो होती है स्क्वायर रूट 13। निकालने का तरीका ये पूरा बता दिया आपको, आपको हर बार इतना सब नहीं करना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, मॉडुलस ऑफ हेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। क्लियर है, समझ आ गया सबको? नोट कर लीजिए डायग्राम बना के। हमें पता करना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सभी क्वेश्चंस में केवल एक ही बात आपसे पूछी गई है, मॉडुलस ऑफ हेड आप पता करें। क्या पता करना है आपको? मॉडुलस ऑफ हेड, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 1 देखिए यहां से किस तरह से होगा, आपको इन सब में एक ही कॉमन फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। क्या कॉमन फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? देखिए मॉड z इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y। हर एक क्वेश्चन में केवल हमारा एक ही टारगेट रहेगा कि हमें x पता चल जाए और y पता चल जाए, देन जब ये हमें वैल्यूज पता चलेगी तो हम इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला मैंने यहां लिखा है, इस फॉर्मूले में हमें इस वैल्यू को रखना होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आप कंपेयर करेंगे अगर, तो x क्या बनेगा? 1। x क्या बनेगा? 1। और y क्या बनेगा? रूट 3। x is equal to 1 और y is equal to root 3, ठीक है, समझ आ गया इतना? Yes sir। x और y डिसाइड हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है? मॉड z निकालना, और इस मॉड z की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। y स्क्वायर वैल्यू रखिए यहाँ पर, मॉड z इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर। ध्यान दीजिए, जब कभी आपको ऐसा मिलता है रूट ऑफ एक्स और फिर आपको उसका स्क्वायर करना पड़ता है तो आप क्या लिखेंगे उसका रिजल्ट? एक्स, ठीक है। तो मॉड ऑफ जेड, और अगर मुझे इसका स्क्वायर यहाँ पे देखना है रूट थ्री का, क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा बताइए? रूट ऑफ वन प्लस रूट थ्री का स्क्वायर कितना आएगा? 3। तो मॉड जेड कितना हो जाएगा बताइए? स्क्वायर रूट ऑफ 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, साथ साथ नोट भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में x क्या बनेगा? रूट 3। y i का कोएफिशिएंट है, यहाँ कुछ नहीं नजर नहीं आ रहा है तो हमें 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो x है वो x क्या है बताइए? क्वेश्चन नंबर 2 में x कितना है? रूट 3। y कितना है? 1 आएगा, y के माइनस 1 आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, तो मुझे y के साथ इस माइनस साइन को भेजना पड़ेगा, मतलब ये y में माइनस भी चला जाएगा, मतलब क्या बनेगा ये? माइनस 1। प्लस रहेगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर माइनस रहेगा तो फिर माइनस साइन आपको y को कंपेयर कर लेना होगा, ठीक है। मॉड ऑफ z क्या बनेगा बताएं? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। व्हाट इज x? x इज रूट 3, रूट 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। मॉड z इज इक्वल टू रूट 3 स्क्वायर इज 3, 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस 1। मॉड z इज इक्वल टू mod z is equal to 2, square root of 4 is 2। modulus value हमारे पास second question में भी आ चुकी है। अब देखिए third question। question number 3 देखिए, question number 3 में x क्या बनेगा? 1। i के साथ कुछ लिखा नहीं है, मतलब 1 consider करना पड़ेगा, और minus sign होने की वजह से y के साथ minus मुझे use करना पड़ेगा, ठीक है। तो x क्या बना यहाँ से बताइए? x क्या बना? 1। और y कितना बनेगा? माइनस वन। क्लियर है? मॉड ऑफ z का फॉर्मूला भी हमने सीखा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। तो मॉड ऑफ z बनेगा वैल्यू ऑफ x इज 1, वैल्यू ऑफ y इज माइनस 1, सो मॉड ऑफ z इज
square root of 1 square is 1, minus 1 square is also 1, mod modulus of z is equal to square root of 2. ये हमारा आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का. क्लियर है? नोट करते जाएं साथ साथ. क्वेश्चन नंबर 4, z is equal to 1 plus i, x की वैल्यू होगी 1, y कितना होगा बताएं? 1, i के साथ मुझे 1 का सीधा करना होगा, तो x बनेगा 1, y बनेगा 1, प्लस सामने होने की वजह से, ठीक है? मॉड्यूलस ऑफ z लिखने का तरीका अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सो मॉड्यूलस ऑफ z बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ x इज 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ x इज 1 स्क्वायर, y स्क्वायर का स्क्वायर मतलब अगेन 1 स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ z इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1. सो मॉड्यूलस ऑफ z इज स्क्वायर रूट ऑफ, समझ आया क्या आप लोगों को? यस सर. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएं. क्वेश्चन नंबर 5, z इज इक्वल टू 1/2 प्लस i रूट 3 डिवाइडेड बाय 2. बताइए x क्या होगा? 1/2 रियल पार्ट ऑफ दिस z. y क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट, रूट 3 डिवाइडेड बाय. क्लियर है ना? क्या फार्मूला हमने z का सीखा? मॉड्यूलस ऑफ z का क्या फार्मूला सीखा? गुड, वेरी गुड. अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y. अगर हम यहां पर वैल्यू रखते हैं तो मॉड्यूलस z क्या दिखाई देता है? 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर, ये होगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 स्क्वायर, और फिर डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर. आ रहा समझ में आप लोगों को? यस सर. मॉड्यूलस ऑफ z 1/4 प्लस रूट 3 स्क्वायर इज 3, 2 स्क्वायर इज 4. मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 4, यहां पर मैं देख रहा हूं एलसीएम आ सकता है, क्या बनेगा? 1 प्लस 4 एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 3 बनेगा, 1 प्लस 3 इज अगेन 4, क्या होगा बताएं? 4/4 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, मतलब मेरे पास मॉड्यूलस आ गया z का कितना? 1. इसको भी नोट कर लीजिए, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है. देखिए इस क्वेश्चन को, इफ a प्लस ib डिवाइडेड बाय c प्लस id इज इक्वल टू x प्लस iy, देन प्रूव दैट a minus ib divided by c minus id is equal to x minus iy and x square plus y square is equal to a square plus b square divided by c square plus d square. किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे ध्यान से देखिए क्या इंफॉर्मेशन इसमें दी है और क्या गाना है. हम देख रहे हैं ये x minus iy लिखा है तो ये x plus iy लिखा है, ये x plus i y का conjugate यहाँ लिखा हुआ है, a minus i b, a plus i b का conjugate है और c plus i d का conjugate है c minus i d. मतलब ये होगा कि इस पूरे का conjugate मुझे यहाँ पर लाके दिखाना है कि ऐसा होता है, ठीक है? अब आप देखें दूसरा हिस्सा x square plus y square, जो कि a square plus b square plus c square plus d square लाना है, तो ये जब मैं ले आऊंगा ये वाली टर्म, तो ये दोनों का जब मैं इंटू करूंगा, देखिए जरा राइट हैंड साइड का इंटू अगर मैं करता हूं तो x + i y x - i y x² + y² बन जाएगा. यस सर. सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो जो यहां मुझे राइट हैंड साइड चाहिए ये बन जाएगी. तो सेकंड हिस्सा इस क्वेश्चन का जो एंड वाला पार्ट है ये तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फर्स्ट पार्ट जो लाना है हमें x + i y x - i y को सुदेश, ये थोड़ा सा हमें समझना होगा कैसे लाना है, उसके बाद हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे. क्लियर है? कैसे होगा? x plus iy is equal to आपको दिया है a plus ib divided by c plus id. ध्यान दीजिए मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं. क्या होता है बताएं? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसमें i के सामने माइनस i लिखिए या साइन चेंज करके इनटू डिवाइड कर दीजिए, यही तरीका सिखाया था आपको. यस सर.
सो एक्स प्लस आई वाई बिकम्स क्या होगा बताएं, यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा मुझे ए सी, फिर यहाँ पे इंटू होगा तो आई ए डी बी, आई बी का इंटू सी में होगा क्या बनेगा बताइए, आई बी सी, आई बी का इंटू यहाँ आएगा प्लस और माइनस, माइनस बनेंगे आई का आई में इंटू होगा आई स्क्वायर डी डी डिवाइडेड बाय c प्लस आई डी, सी माइनस आई डी बिकम सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, बता चुका हूँ फॉर्मूला आपको कल बताया था मैंने, c प्लस आई डी सी माइनस आई डी, ए प्लस आई डी ए माइनस आई डी बताया था मैंने आपको, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है तो उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्स प्लस आई वाई ए सी, देखिए इस आई स्क्वायर की वैल्यू होती माइनस वन, तो ये माइनस वन और ये माइनस मिलकर क्या होगा प्लस, और BD मैंने यहाँ लिख दिया, पोजीशन इनकी बदल दी है। यहाँ से देखिए I कॉमन आ सकता है क्या? इन दोनों में से अगर मैंने I कॉमन लिया, तो क्या बचेगा? BC प्लस वाला पहले लिख दिया, फिर माइनस क्या लिखना होगा बताइए? AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अगर मैं सेपरेट कर देता हूँ, मुझे X और Y अलग-अलग मिल जाएंगे। AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस ये आई के साथ लिखेंगे बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ध्यान दीजिए एक्स इज अ रियल पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज रियल पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड। सिमिलरली ये जो वाई है इमेजिनरी पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का और ये अरेंजमेंट इमेजिनरी पार्ट है राइट हैंड साइड का, कंपेयर किया जा सकता है। कंपेयर करेंगे तो x क्या मिलेगा बताएं? x is equals to ac plus bd divided by and y क्या बन जाएगा? bc minus ad divided by c square plus d square। x और y मेरे पास आ चुके हैं, अब मैं x minus i y निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं यहां पर x माइनस आई वाई, क्या है वैल्यू x की? ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस आई इंटू ये लिखना पड़ेगा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं राइट हैंड साइड पे, हमें इस तरीके से बनाना है इसको तो आगे कुछ अरेंजमेंट्स भी करने पड़ेंगे। एलसीएम ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर एलसीएम आया, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एक बार लिखा ऊपर जो लिखा है विद साइन आपको लिखना होगा माइनस, क्या लिखेंगे बताइए जरा, i इनटू bc माइनस a x माइनस i बाय ac प्लस bd, यहां से मैं i का अंदर इनटू करूंगा तो i bc a माइनस और माइनस की प्लस i ad बनेगा डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। समझ आ रही? अब देखिए इस बीडी को अगर मैं यहां समझूं तो बीडी के साथ मैं आई स्क्वायर आ रहा था जब हमने प्रोडक्ट किया था, तो मैं चाहता हूं कि फैक्टराइज हो जाए तो इसको वापस मैं आई स्क्वायर के साथ में बनाना चाहता हूं। पहला काम तो ये करेंगे, दूसरा डिनोमिनेटर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आया था, ये c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आया इसकी वजह से था, तो ये c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर को भी मैं चेंज कर सकता हूं ac, यहां पे मैंने लिखा माइनस और माइनस 1 इनटू bd, माइनस 1 को मैं क्या लिखूंगा i स्क्वायर। ठीक है, समझ आया क्या आपको? फिर से देखो ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, इस प्लस को मैं लिख सकता हूं माइनस इनटू माइनस, इस माइनस वन को अगले स्टेप में लिख देंगे हम लोग, अब इस पर छोड़ देते हैं आई बी सी प्लस आई ए डी डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिखेंगे बताइए, सी प्लस आई डी सी माइनस आई डी लिख सकते हैं, हमेशा मेरे पास ऐसा होता था मैं उसको ये लिखता था, अब की बार मैंने इसको ऐसे चेंज किया है एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल, यहां देखिएगा ए सी, देखिए इस a का जब आपने इंटू किया था c माइनस आई डी में तो क्या बनेगा ए सी और आई ए डी, ए सी माइनस आई ए डी, तो ये है ए सी और
और ये लिखा है आई एडी, ठीक है। इसमें से अगर आप कॉमन लेते हैं तो हो सकता है कुछ एलिमेंट ई, ठीक है, लेकिन हमें समझना होगा यहाँ पर माइनस भी आना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए, ए माइनस आई बी का अरेंजमेंट चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, ए माइनस आई बी, ठीक है। तो देखिए पहले तो इस आई स्क्वायर को माइनस वन में कन्वर्ट करें, क्या बनेगा, ए सी माइनस आई स्क्वायर को मैंने लिखा माइनस आई स्क्वायर, सॉरी माइनस वन को मैंने लिखा आई स्क्वायर, तो बनेगा आई स्क्वायर बी डी ए माइनस आई बी सी प्लस आई ए डी डिवाइडेड बाय सी प्लस आई डी सी माइनस आई डी। जो प्रूफ करना है उसमें हम ये देख रहे हैं केवल डिनोमिनेटर में c माइनस आई डी है, मतलब डेफिनेटली c प्लस आई डी न्यूमरेटर में आएगा और वो कैंसिल होगा, तभी तो वो अपने आंसर में नहीं दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखना चाहिए लाना क्या, उसी से समझ आएगा आपको कि अगली स्टेप कैसे बनाई जाए। क्या बताया मैंने आपको, जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो c माइनस आई डी है, और हमारे पास जो अभी आ रहा है अरेंजमेंट इसमें क्या आ रहा है, c माइनस आई डी के साथ c प्लस आई डी भी साथ में है, तो हमें न्यूमरेटर में कुछ ऐसा बना लेना चाहिए जो कि c प्लस आई डी दे मुझे, ठीक है। c यहां है, और अगर मैं इसमें से a कॉमन लेता हूं, अगर मैं इसमें से a कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा, c प्लस आई डी बन जाएगा जो कि नीचे भी है, हम उसको कॉमन लेके कैंसिल कर पाएंगे, थोड़ा सा इसमें आगे का सोचना पड़ेगा। तो a यहां से मैंने कॉमन लिया है, c प्लस आई डी बचेगा। अब इस पूरे में देखिए जरा ध्यान से क्या क्या कॉमन आ सकता है, आई भी कॉमन आ सकता है, यहां भी है, यहां भी है, आई कॉमन चला गया, बी कॉमन चला गया, माइनस चला गया, तो ये सी कैसा हो जाएगा, प्लस का, आई स्क्वायर में से एक आई चला गया एक बचेगा, माइनस जा चुका है प्लस बचेगा, एक आई स्क्वायर में से एक आई गया है एक बचेगा अंदर, बी जा चुका है डी बचेगा, और a माइनस आई डी डिनोमिनेटर में आएगा c प्लस आई डी सी माइनस आई डी, ये दोनों कैंसिल होंगे, x माइनस आई वाई मेरे पास आ जाता है a माइनस आई बी डिवाइड बाय c माइनस आई डी, यही लाना था, ठीक है। अब जो इसके आगे का हिस्सा है उसको हमें क्या करना होगा, नाउ x प्लस आई वाई को मुझे इंटू करना होगा किसमें, x माइनस आई वाई, समझ आ रहा है। जब आप इसको a प्लस बी a माइनस बी से सॉल्व कर रहे हो तो क्या बनता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जो दूसरा हिस्सा है उसका लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे मिलेगा, राइट हैंड साइड के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की वैल्यू रखो, क्या वैल्यू है इसकी बताइए, x प्लस आई वाई क्वेश्चन में दिया था, a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी, x माइनस आई वाई अभी हमने पता किया, a माइनस आई बी डिवाइडेड बाय c माइनस आई डी, जैसा मैंने a प्लस बी a माइनस बी यहां बना के ऐसा लिख दिया था, सिमिलरली मुझे इधर लिखना चाहिए, देखिए जरा a प्लस आई बी a माइनस आई बी क्या बन जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसी तरह से c प्लस आई डी c माइनस आई डी क्या बन जाएगा, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये दूसरा हिस्सा प्रूव हो गया, समझ आया। तो सेकंड पार्ट तो कोई डिफिकल्ट नहीं था, बेसिक था फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में भी जब हमने x और y की वैल्यू निकाली तो उसकी हेल्प से हमें x माइनस आई वाई पता करना, और इस x माइनस आई वाई को किस फॉर्मेट पे लाना है इस पे नजर रखनी पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी आपको। क्लियर है, सबको समझ आ गया, अरेंजमेंट्स काफी बढ़ जाएंगे, परेशानी ज्यादा आएगी, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट पे आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ठीक है, पूरा नोट कर लीजिए सिस्टमेटिक, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, ठीक, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।